कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है टोपोलॉजी। इस वीडियो में टोपोलॉजी का एक एक चीज़ बता दूंगा, आपको कहीं और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले बताऊँगा व्हाट इज़ टोपोलॉजी, क्या होता है ये, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब ये कितने टाइप्स का होता है, और उन टाइप्स को भी फिगर के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, चलो सबसे पहले ये जान लेते हैं। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नोड विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी जगह में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस फॉर्म में कनेक्टेड है, किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। तो ये जो कनेक्शन का फॉर्म है ना, ये अलग अलग फॉर्म हो सकता है। अगर सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड है तो अलग टोपोलॉजी होगा, अगर एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है तो अलग टोपोलॉजी होगा, नेटवर्क डिवाइस के हेल्प से कनेक्टेड है तो अलग टोपोलॉजी होगा। तो इसी वजह से टोपोलॉजी को ना अगेन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो, पहला होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मेस, हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। तो चलो बताता हूँ बस टोपोलॉजी क्या होता है। ये पहला टाइप है टोपोलॉजी का, सबसे सिंपल यही है। इन बस टोपोलॉजी वन लॉन्ग केबल एक्ट्स एज अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे फिगर में देखो, एक लंबा सा स्ट्रेट केबल है, ये एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा, और इसी लंबे केबल से सभी डिवाइसेस कनेक्टेड, एंड ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस केबल। इसी केबल से सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली अरेंज में मिल जाए कि एक सीधा वायर है और उसी से सारे चीज़ें कनेक्टेड है, तो आप समझ जाइए वो बस टोपोलॉजी है, इसमें हमेशा स्ट्रेट में ही रहेगा। तो अभी चलो इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। अभी यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज देखो बस टोपोलॉजी का, इजी टू ऐड रिमूव नोड्स इन ए नेटवर्क। आप ना नेटवर्क में किसी भी नोड को आसानी से ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। नोड का मतलब है कंप्यूटर। यहाँ पे ये फिगर को आप देखो, इस फिगर में तीन कंप्यूटर सिस्टम एक सिंगल वायर स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक और ऐड करना हुआ ना, तो मैं बहुत ही आसानी से इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। तो ये इसका पहला एडवांटेज हुआ, ध्यान से समझना, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड ओनली केबल, आपको बस एक लंबा सा स्ट्रेट केबल चाहिए बस टोपोलॉजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं, कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ दो, बन गया। थर्ड क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, काफ़ी सस्ता होता है। सस्ता क्यों, क्योंकि एक सिंगल सा केबल खरीद के लाओ, आपके पास जितने भी डिवाइसेस है कनेक्ट कर दो उनको, बन गया बस टोपोलॉजी। फोर्थ क्या है, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस टू ईच डिवाइस विच आर कनेक्टेड थ्रू द केबल। इस केबल से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ना, तो ये क्या करता है, मैसेज को ना ब्रॉडकास्ट करता है। मान लीजिए अगर ये कोई मैसेज सेंड करना स्टार्ट किया, तो इस केबल में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है उन सभी के पास एक ही टाइम में पहुंच जाएगा मैसेज। अगला एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। लास्ट एडवांटेज क्या है, इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेस। अगर मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटर फेल हो गया, मान लीजिए ये हमारा सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये दोनों तो चलता रहेगा, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा वायर है, ये है कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अभी इसका डिसएडवांटेज भी समझो, तभी आप क्लियर कर पाओगे। इफ़ केबल इज़ फेल देन द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। मान लो ये जो केबल है ना, अगर ये केबल ही ख़राब हो जाता है, तो आपका सारा जो नेटवर्क बना था ना, वो नेटवर्क अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही केबल ही तो सभी को कनेक्ट कर रहा आपस में। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, द मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट सो वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेजेस। मैंने आपको एडवांटेज में ही बोला, ये क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब ये अगर मैसेज सेंड किया तो सभी के पास पहुँच जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि आप प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते। अगर आप यहाँ से इसको भेजना चाहते हैं ना, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, इन दोनों को भी मिल जाएगा, ये डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में। क्यों? क्योंकि एक लंबा सा वायर है। अगर मान लीजिए ये मैसेज भेज रहा तो इसके पास मैसेज पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? द लेंथ ऑफ केबल इज़ लिमिटेड। इस केबल का लेंथ ना लिमिटेड हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपका मर्जी आप जहाँ तक फैला दो, आप चाहो तो बनाना चाहो बस टोपोलॉजी नहीं कर सकते। इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही आप बस टोपोलॉजी बना सकते हो। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? इन दिस टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन। इसमें ना डेटा आप केवल एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हो। मान लो ये डेटा सेंड कर रहा है इधर के लिए, तो इधर ही डेटा जाएगा। उसी टाइम पे ये डेटा अगर सेंड करना स्टार्ट कर देगा ना, और ये भी स्टार्ट किया हुआ, तो दोनों को एरर मिल जाएगा, डेटा सेंड नहीं होगा। मतलब एक ही साइट से एक टाइम में डेटा सेंड होगा। अभी चलो आपको अगला टोपोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा सेकेंड टाइप टोपोलॉजी का, रिंग टोपोलॉजी। ये क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग। इसे हम रिंग टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना एक रिंग बनाता है। फिगर आप देखो, एक रिंग बना हुआ सर्कल के फॉर्म में और सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और यही हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है इस टोपोलॉजी का, ठीक है। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विथ इट्स एडजेसेंट नोड। इस टोपोलॉजी में क्या होता है ना, जितने भी नोड है यानी जितने भी कंप्यूटर है, सभी अपने बगल वाले नोड से एकदम कनेक्टेड, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। जैसे इसकी बात करें अगर, तो ये इससे और इससे कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। इसकी बात करें तो ये इन दोनों से कनेक्टेड है। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी का फिगर। आप एग्जाम में ना सेम फिगर सेम डेफिनेशन लिखना, एक नंबर भी नहीं कटेगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करते चलिए। अभी मान लो आप रिंग टोपोलॉजी यूज़ करते हो, सर्कल के फॉर्म में अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, जैसा इस फिगर में देख लो, तो आपको क्या फ़ायदा होगा ये देखो। एडवांटेज, इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सबसे पहले ये एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है। क्यों? क्योंकि सारे, जैसे ये सिस्टम अपने एडजेसेंट नोड से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, इसीलिए। सेकंड क्या होता है? ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विथ अनदर नोड कनेक्टेड थ्रू अ रिंग टोपोलॉजी। इसमें जितने भी नोड है ना, मान लो अगर ये डेटा शेयर करना चाहता है तो ये इन तीनों को शेयर कर सकता है। और इसमें डेटा आप क्लॉक वाइज भी सेंड कर सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी सेंड कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इसमें भी होता है, ठीक है। थर्ड एडवांटेज क्या है? ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज़ वेरी स्पीड। इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। स्पीड क्यों होता है? क्योंकि सर्कल के फॉर्म में सारे नोड ना एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा करीब है, डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो डेटा स्पीड ट्रांसफ़र का बहुत ज़्यादा होता है इसमें। लास्ट वाला एडवांटेज क्या है? द डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्ट। इसमें डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मान लो ये डेटा कुछ भेज रहा है, इन तीनों के पास पहुंचेगा। तो ये हो गया इसका यूज़ करने का फ़ायदा। अभी नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। चलो उसे भी बताता हूँ। पहला डिसएडवांटेज क्या है वो देखो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर। अगर आपको इस रिंग में कोई एक नया कंप्यूटर ऐड करना हुआ ना, तो वो काफ़ी मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको वायर कट करना पड़ेगा, फिर इसे जोड़ना पड़ेगा, फिर नेटवर्क को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन इससे पहले जो बस टोपोलॉजी था उसमें बहुत ही आसान था, आप वायर को लंबा कर दो, ऐड कर दो। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है रिंग टोपोलॉजी का? इफ़ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन, देन डेटा विल अननेसेसरी पास टू ऑल नोड्स। अगर मान लो हम कोई डेटा सेंड करना चाह रहे, यहाँ से सेंड करना चाह रहे, मेरा मोटो है सिर्फ इसको देना, तो झूठ मूठ का इसके पास भी डेटा पहुंच जाएगा और इसके पास भी पहुंच जाएगा। तो ये दोनों सोचेंगे भी कि भाई मेरे को क्यों भेज दिया इसने। आपको एग्जांपल बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का। मान लो आप अपने किसी एक फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहते हो और आपने ग्रुप में मैसेज भेज दिया, तो आपके बाकी फ्रेंड्स तो ये कहेंगे ना कि ये क्यों भेजा भाई, उनका किसी काम का मैसेज नहीं है उनके लिए, बस आपको उसी फ्रेंड्स के लिए काम का जिसको आप भेजना चाहते थे, तो आप पर्सनल इसमें नहीं भेज सकते। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। दैट मींस इफ अ नोड गोज डाउन एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। अगर मान लो एक पॉइंट में भी कुछ फेल हो गया ना, मान लो ये खराब हो गया, तो आपका ये नेटवर्क ख़त्म हो गया। सिंगल पॉइंट में भी फेलियर हुआ, आपका नेटवर्क ख़त्म हो गया। क्यों? मान लो ये डेटा भेजना स्टार्ट कर रहा क्लॉक वाइज, ये खराब हो गया तो लोगों को तो मिलेगा ही नहीं, नेटवर्क ख़त्म।
और क्या है यहाँ पे अगला पॉइंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द रिंग टोपोलॉजी इफ़ एनी पर्टिकुलर मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मान लो कोई पर्टिकुलर मशीन अच्छा से काम नहीं कर रहा, मान लो यही खराब हो गया, तो ये पता करना काफ़ी मुश्किल होगा कि ये खराब है क्यों। मान लो ये डेटा इधर से भेज रहा, तो इसको भी मिला, इसको भी मिला, और ये सोचेगा ना कि इसको भी मिल गया, ये तो खराब है, इसको तो पता ही नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है पता करना। अगला पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेजेस। इसमें हम प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को नहीं भेज सकते। अभी चलो आपको नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में बताता हूँ। स्टार टोपोलॉजी है हमारा थर्ड टाइप टोपोलॉजी का। ये क्या होता है, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। इस फिगर को देखो, यहाँ पे देखो सारे डिवाइसेस ना एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस हब से कनेक्टेड है। तो मेरा डेफिनेशन और मेरा फिगर देख के मुझे ये नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ इस तरह से नोट्स लेके आया हूँ कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, वो तो मैं बताऊँगा ही। अगला पॉइंट क्या है, एंड द शेयरिंग ऑफ डेटा इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। मान लो ये कंप्यूटर सिस्टम इसको कुछ भेजना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी हब के थ्रू ही डेटा का शेयरिंग हो सकता है, सेंडिंग रिसीविंग, किसी अदर मीडियम से नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट इसको इधर से नहीं भेज सकता, इधर से ही भेजना होगा। अभी इसे यूज़ करने का फ़ायदा क्या है वो जान लो। पहला फ़ायदा है, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज। मैंने आपको बताया था जब मैंने हब नेटवर्क डिवाइस आपको पढ़ाया था कि हब क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। मान लो ये कोई डेटा सेंड करना स्टार्ट किया, इन तीनों के पास पहुंच जाएगा जल्दी से, जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे आपसे सभी के पास मैसेज जाएगा। सेकंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है क्योंकि इसमें केबल ना काफ़ी कम होता है। ये देखो, एक केबल इसके लिए है, एक इसके लिए, छोटा छोटा केबल लगा दो तो खर्चा कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा। अभी थर्ड एडवांटेज क्या है, ईजी टू कनेक्ट न्यू नोट्स विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। इसमें ना नए कंप्यूटर यानी नए नोड को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। फिगर में बताता हूँ क्यों आसान है। देखो इस फिगर को देखो, मान लो मेरे को एक और कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे ऐड करना है, बस यहाँ से जोड़ दूंगा ऐड हो जाएगा। इस साइड में भी ऐड करना है, इधर से ऐसे जोड़ दूंगा ऐड हो गया, तो काफ़ी आसान है। तो इसे ये एडवांटेज है। अभी लास्ट एडवांटेज क्या है, If one node failed, then it would be not be failure of entire network. अगर एक मशीन फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा। फिगर में चलते हैं, यहाँ पे देखो, मान लो कि ये खराब हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों भी ख़त्म हो गए, नहीं, मेरा ये हब सही है, ये तीनों भी सही है, ये तीनों वैसे ही काम करेगा जैसा इसके रहने के पहले हो रहा था। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अभी इसका यूज़ करने का नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, चलो वो बताता हूँ। फर्स्ट डिसएडवांटेज देखो स्टार टोपोलॉजी का, इन स्टार टोपोलॉजी वी मस्ट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क डिवाइस लाइक हब, स्विच, राउटर एक्सेट्रा। देखो इस फिगर को देखो, अगर आपको स्टार के फॉर्म में टोपोलॉजी में नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपको ये डिवाइस तो चाहिए ही होगा। ये नेटवर्क डिवाइस है हब, आप चाहें तो इसके जगह पर राउटर लगा सकते हो, स्विच लगा सकते हो, लेकिन बिना इस डिवाइस के तो आप स्टार टोपोलॉजी बना नहीं सकते। अगर ये डिवाइस हटा देंगे तो आप बस बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, लेकिन स्टार नहीं बना सकते जो आप चाहते हो। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, इफ़ टू नोड्स वांट टू शेयर द डेटा, शेयरिंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। मान लो ये ना इसको कुछ देना चाहता है तो बिना इसके नहीं दे सकता, इसके थ्रू ही इसको डेटा मिलेगा, डायरेक्ट नहीं दे सकता, यही इसका डिसएडवांटेज हो गया। अगर इसके थ्रू जाएगा तो एलों दोनों को भी मिल जाएगा, एलों को चाहिए नहीं फिर भी मिल जाएगा, यह डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड क्या हुआ, इफ़ हब इज़ फेल्ड द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। मान लो आपका यह डिवाइस ख़राब हो गया, ये ख़त्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो आपका ये नेटवर्क भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये डब्बा बन जाएगा, ये अकेले हो जाएगा, ये भी अकेले हो जाएगा, सभी अकेले हो जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट क्या है, वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ये कुछ भेजेगा इसके पास, ये सबको बता देगा, सीक्रेट नहीं रखेगा, चुकली कर देगा। अभी चलो अगला टोपोलॉजी के बारे में बताता हूँ। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टोपोलॉजी होता है मेस टोपोलॉजी। तो ये क्या होता है,
इन दिस टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। इस फिगर को देखो, इसमें टोटल 5 कंप्यूटर सिस्टम है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए ये चारों हैं। तो इस कंप्यूटर सिस्टम से आप देखो, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है और ये भी डायरेक्टली कनेक्ट है। तो सारे जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या कर सकते हैं हम, सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन मशीन विदाउट गोइंग टू इंटरमीडिएट मशीन। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो इस कंप्यूटर सिस्टम को इसको डेटा भेजना है तो ये डायरेक्ट इसको भेज देगा, एलोंग के पास डेटा पहुंचेगा भी नहीं, ये इसको डायरेक्ट भेज देगा। यानी प्राइवेट डेटा इसमें हम भेज सकते हैं। और आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप टोपोलॉजी के थ्रू सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो तो मेश टोपोलॉजी यूज़ करो। अभी इसे यूज़ करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है वो भी बता देता हूँ। पहला फ़ायदा है मेश टोपोलॉजी यूज़ करने का, इट इज़ वेरी गुड टोपोलॉजी टू सेंड द प्राइवेट मैसेज। अगर आप किसी को प्राइवेट मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारे डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, ऑल नोड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ अनदर नोड, सो इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ना, इस फिगर को देख लो, मैं नीचे करता हूँ कैमरा, सारे ना एक दूसरे से डायरेक्ट एसोसिएटेड है, यानी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा कि नहीं, ये इस पॉइंट पे भी कनेक्ट है, ये इस पॉइंट पे भी कनेक्ट है, हर चप्पे चप्पे पे कनेक्टेड है। तो यही होता है इसका एडवांटेज। अभी थर्ड एडवांटेज देख लो, यहाँ पे क्या है, अनलाइक रिंग टोपोलॉजी इफ अ पर्टिकुलर मशीन इज फेल्ड देन एंटायर नेटवर्क विल नॉट फेल। जैसा रिंग टोपोलॉजी में मान लो कोई एक सिस्टम ख़राब हो जाता था तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मान लो ये ख़राब हो गया तो ये तीनों चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा इसको भेजेगा, इसको मिल जाएगा, ये चाहे तो इसको भी भेज सकता है, ये चाहे तो इसको भी भेज सकता है। तो मतलब इन तीनों का काम होता रहेगा बिना इसके भी, इसमें सब अपना अपना देख रहा है, ठीक है, कोई किसी के लिए सगा नहीं है इसमें। लास्ट पॉइंट क्या है एडवांटेज, मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ, इस फिगर को देखो, मान लो ये डेटा इसको सेंड कर रहा, इसको सेंड हो रहा डेटा, और ये डेटा इसको सेंड कर रहा, तो ये एक टाइम में डेटा सेंड भी कर रहा और रिसीव भी कर रहा, साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा है एक ही टाइम पे, ठीक है। अभी इसे यूज़ करने का नुकसान क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऐड सम न्यू नोड बिकॉज ईच एंड एवरी कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अनदर वन। इसमें ना किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम को ऐड करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? मान लो अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको फिर से ऐसा लॉजिक लगाना होगा कि सारे कंप्यूटर ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। तो इसमें आपको काफ़ी मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है, आसानी से नहीं होगा बस के जैसा, रिंग के जैसा। सेकेंड क्या है, इफ़ अ पर्टिकुलर मशीन नॉट वर्किंग देन वी कांट सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम दी फेलियर मशीन। मान लो ये चल बसा, ये फेल हो गया, तो अभी हम ना ही इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं और ना ही इससे कुछ डेटा रिसीव कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेजेस। अभी चलो आपको अगला टाइप बताता हूँ, हाइब्रिड टोपोलॉजी अपना अगला टाइप है, यानी फिफ्थ टाइप। अगर आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को बहुत सारे टोपोलॉजी के मदद से कनेक्ट कर रहे हैं तब आप हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज़ करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन से अगर आप किसी भी नेटवर्क को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो वो हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी आपका टास्क क्या है, इसमें से आप पहचानो कितने टोपोलॉजी हैं। ये सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आपको दिखता होगा, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड, ये हो गया हमारा बस टोपोलॉजी। अभी ये कौन सा टोपोलॉजी हो गया, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बताओ। ये हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि रिंग के फॉर्म में है सारे डिवाइसेस। और ये कौन सा टोपोलॉजी है हमारा, हब से कनेक्टेड है सारे डिवाइसेस, ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो देखो तीन टोपोलॉजी से मिल के बनाए, आप चाहे तो चार से भी मिल के बना सकते हैं, पाँच से भी मिल के बना सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इन तीनों में जो भी चीज़ें कॉमन है ना, वही इसका एडवांटेज होगा और वही इसका डिसएडवांटेज होगा। तो मैंने तीनों को आपको बता चुका है, आप वीडियो को पीछे करिए,
कॉमन पॉइंट्स निकालिए, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल जाएगा। अभी चलो ट्री टोपोलॉजी के बारे में बताता हूँ। सबसे लास्ट में अपना ट्री टोपोलॉजी है, छठा टाइप है टोपोलॉजी का। देखो गाइस, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ चुका है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अब इसे भी देखो ये क्या होता है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक अ ब्रांचेस ऑफ ट्री। फिगर को देखो, यहाँ पे मान लो ये एक पेड़ है और ये उसका जड़ है, ठीक है, ये जड़ हो गया और ये तना हो गया, एक डाली इधर एक डाली इधर, आगे देखो तो ये ट्री हो गया ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। इसमें ये कंपलसरी होता है कि बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो है एक लंबा सा वायर है, तो ये हो गया अपना बस टोपोलॉजी। बस कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर भी कनेक्टेड है नीचे भी कनेक्टेड है, इसी वायर से तीन पॉइंट पे कनेक्टेड है। अभी स्टार टोपोलॉजी कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी, ये हो गया और ये हो गया, अकेले में स्टार है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली बस एंड स्टार इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। तो गाइस, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बोले थे मैंने सभी पॉइंट्स बताए हैं, एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस किया है। फिर कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।